गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आपको याद है मैंने आपको दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट बताया था, द थिंग्स विच इज नियर टू अस, जो चीज हमारे पास है उसके लिए हम दिस यूज करते हैं, एंड द थिंग विच इज फार फ्रॉम अस वी यूज दैट। ओके, अब लेकिन ये तो हमने सिंगुलर का बताया था कि अगर कोई एक चीज है, व्हाट अबाउट प्लूरल? कभी कभी प्लूरल भी तो होते हैं ना, मैनी। अब हम इसके लिए भी आपको बताते हैं कि जब आपके पास व्हेन यू आर हैविंग मैनी नंबर्स ऑफ थिंग्स, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे। ओके, सो हियर व्हेन आई एम हैविंग अ सिंगल कैंडल, आई विल यूज दिस इज अ कैंडल। ठीक है, दिस इज अ कैंडल और दिस इज अ लैम्प। बट व्हेन आई एम हैविंग टू कैंडल्स, व्हाट विल आई से? दीज आर टू कैंडल्स, वन एंड टू, बिकॉज दीज आर नाउ मोर देन वन, सो व्हाट विल बी यूज? दीज। बट स्टिल ये पास में ही है, ठीक है ना, ये मेरे पास में ही है, तो व्हाट विल आई यूज? दीज। तो जो चीज हमारे पास है, हाँ, सिंगुलर है तो दिस, एंड द थिंग्स विच आर नियर टू अस, ये भी नियर है, ये भी नियर है, बट ये प्लूरल है, मोर देन वन, व्हाट विल बी यूज? दीज। सो दिस इज अ कैंडल एंड दीज आर कैंडल्स। ओके, सिमिलर नाउ दिस इज अ ग्लास। ओके, दिस इज अ ग्लास, ये ग्लास मेरे पास है, पास में रखा है, हाँ, सिंगुलर है तो दिस इज अ ग्लास। नाउ अगर अब ये मेरे पास तीन ग्लासेस है, पास ही है, बट नाउ दीज आर प्लूरल्स, सो व्हाट विल आई से? दीज आर ग्लासेस, वन टू थ्री, सो दीज आर प्लूरल इन नंबर, व्हाट विल आई से? दीज आर ग्लासेस। ओके, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। सो दिस इज अ पिकल जार, एक है एंड इट इज नियर टू मी, सो व्हाट विल आई से? दिस, दिस इज अ पिकल जार। ओके, अब यहां पर दो पिकल जार और आ गए हैं। ओके, सो नाउ आई एम हैविंग थ्री पिकल जार्स, व्हाट विल आई से? दीज आर, अब मैं दिस नहीं यूज करूंगी, व्हाई? बिकॉज नाउ दीज आर नॉट सिंगुलर, दीज आर प्लूरल, मैनी नंबर्स, हाँ, सो दीज आर पिकल जार्स, दीज आर पिकल जार्स। ओके, अभी जब हम प्लूरल यूज करते तो वहां ए नहीं यूज करते, अभी हम क्या बोले थे? दिस इज अ कैंडल, दिस इज अ मीन्स वन, दिस इज अ कैंडल। ओके, दिस इज अ पिकल जार, बट वेन दीज आर प्लूरल वी विल नॉट यूज अ, दीज आर पिकल जार्स। ओके, नाउ दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ प्लांट, ओनली वन प्लांट है, सो दिस इज अ प्लांट, नॉट नेसेसरी। अब अगेन मैं ये तीन जार ले रही हूं, बिकॉज ये तो एक सिंगल बॉटल जार था, सिंगल बॉटल प्लांट था, सो दिस इज अ प्लांट। अगेन यहां पे मेरा प्लूरल नंबर है जार्स का, सो दीज आर, जल्दी बताइए, दिस आर जार और दीज आर जार्स? यस, दीज आर जार्स। ओके, सो बाय नाउ यू मस्ट हैव लर्न द थिंग्स विच इज नियर टू मी, वी यूज दिस एंड दीज। अब दिस किसके साथ यूज करना है? जो सिंगुलर हो, और दीज किसके साथ यूज करना है? जो प्लूरल है। ओके, बट व्हाट अबाउट दोज? दैट भी तो यूज किया था हमने, तो अगर सिंगुलर में हमने दैट यूज किया तो प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे हम, बताइए? दोज। ठीक है, अब आपको दोज का एग्जांपल बताते हैं। नाउ आई एम पुटिंग दिस कैंडल हियर, ओके, सो दैट इज अ कैंडल, बिकॉज नाउ दिस कैंडल इज फार फ्रॉम मी, दैट इज अ कैंडल, एंड नाउ दीज आर थ्री कैंडल्स, वन टू थ्री, अभी दूर है मुझसे, जब पास थी तो मैंने क्या बोला था? दीज आर कैंडल्स, नाउ दे आर फार फ्रॉम मी, व्हाट विल आई से? दोज आर कैंडल्स, दोज आर कैंडल्स। ठीक है, बिकॉज दे आर मैनी, वन टू थ्री मैनी है और मुझसे दूर है,
तो व्हाट विल आई यूज दोज. ओके नाउ ये पिकल जार मेरे पास है, दिस इज अ पिकल जार. अब मैंने इसको दूर रखा. सो दैट इज अ पिकल जार, दैट इज अ पिकल जार. अब ये तीन पिकल जार मेरे पास है. व्हाट आई एम से, दीज आर पिकल जार्स, दीज आर पिकल जार्स बिकॉज दीज आर नियर टू मी. बट व्हेन आई विल कीप देम ऑन डिस्टेंस, अब मैंने इन पिकल जार्स को डिस्टेंस पर रख दिया, ठीक है. सो नाउ व्हाट विल आई से, दोज, ठीक है, दोज आर पिकल जार्स. सो दोज क्योंकि डिस्टेंस पर है एंड मैनी है, सो व्हाट विल आई यूज, दोज आर पिकल जार्स. ओके नाउ अबाउट दिस प्लांट, दिस इज नियर टू मी, व्हाट विल आई से, दिस इज अ प्लांट. And when I keep this on a distance from me, what will I say? That is a plant. That is a plant. Because singular है तो that use करूंगे, far है. But अभी far में distance में और ज्यादा plants होंगे, more than one. What will I say? Like this. Here. Those are plants. Okay? Because those plants are far from me. And there are many numbers. What will I say? Those are plants. Those are plants. Because they are far from me. So by now, it might be clear to you. Clear ho gaya aapko achche se? Ke kahan par aapko this, that, these and those ka use karna hai. Theek hai? To jo cheez humare paas mein hai and singular hai, one hai, uske liye kya karenge? This. Aur many hai, to these. And the things which are far away from us, if it is singular, what will we use? That. And if these are plural, what will we use? Those. तो अभी मैं आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट भेजूंगी, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा. नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा, मुझसे पूछिएगा और इसको वर्कशीट को अच्छे से करके भेजना है, ठीक है. टाटा बाय बाय.